देखेंगे प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। यहाँ मेरे को दे रखा है एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये रहा, और 10 सेकंड बाद वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ये रहा। अब मेरे को निकालना है इस 10 सेकंड में इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो मेरे पास v1 इतना दिया हुआ है 5i कैप और v2 इतना है 5j कैप। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, दैट इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसे मैं लिख सकता हूं v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर। माइनस v1 मेरे पास इतना है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 5√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन इसका आएगा, अब मैं पहले एक्सेलरेशन लिखता हूं इसका, एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा डेल ओवर टी, ये मेरे पास आ गया 5√2 ओवर 10, दैट इज इक्वल टू 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, इसका डायरेक्शन अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये मेरा आंसर। थैंक यू।